हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ऑल इन वन रसोई में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। हम बनाने वाले हैं टोफू, और इसे हमने 10 मिनट पहले पैकेट से निकाल कर पानी में भिगा कर रख दिया है, जिससे क्या है ना, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और खाने में पनीर की तरह ही लगता है। और हम दिखा देते हैं कि इस प्रकार ये पैकेट में आता है। ये मसाला टोफू है और ये सिंपल वाला है। अब हम इसे रख देंगे साइड में और ग्रेवी की तैयारी करेंगे। देखिए, सब्जी हम इस कढ़ाई में बनाने वाले हैं, तो कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं। एक बड़ा चम्मच हमने ऑयल लिया है। तेल के गर्म होते ही एक तेज पत्ता लेंगे, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, चार लौंग लेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, थोड़ा सा लेंगे जीरा। अब खड़े मसालों को अच्छे से भुनने देंगे, जिसमें तेल में अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। देखिए, मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम लेंगे प्याज। प्याज मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, इसे दरदरा ही पीसा है। अब इसे चलाते हुए भुनेंगे प्याज को। देखिए, प्याज को अब हम मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे, जिससे प्याज जले ना और चिपके ना। और इसे बहुत अच्छे से हमें भूनना है, क्योंकि जितने अच्छे से प्याज भुनेगी उतना ही अच्छा सब्जी में टेस्ट आएगा। देखिए, मैंने प्याज को थोड़ा सा दरदरा पीस के लिया है। आप चाहे तो महीन पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारीक प्याज पीसने से क्या है ना, समय ज़्यादा लगता है भुनने में। तो हो सके तो दरदरा ही पीस के ले, और सब्जी भी बहुत बढ़िया लगती है खाने में। देखिए, प्याज बहुत अच्छे से भुन गई है और एकदम कलर गोल्डन आ गया है और तेल भी छोड़ दिया है। अब हम लेंगे लहसुन, अदरक लहसुन है, इसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। आप चाहे तो पीस कर भी ले सकते हैं। अब हम इसे चलाते हुए भूनेंगे, और ध्यान रखें कि लहसुन ना बाद में ही डालें। इससे क्या होता है ना, प्याज बहुत अच्छे से भुन जाती है, क्योंकि लहसुन है ना प्याज को भुनने नहीं देता है। लहसुन के साथ भूनते हैं ना तो प्याज बहुत ज़्यादा चिपकती है और जलती भी है, तो लहसुन हमेशा बाद में ही डालें। अब हम इसे चलाते हुए बहुत अच्छे से भूनेंगे। लहसुन बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम लेंगे टमाटर की प्यूरी, एक टमाटर की प्यूरी है, चलाते हुए इसे अच्छे से भूनेंगे। नमक ले लेंगे, इससे क्या है ना टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। चला लेंगे इसे, 3-4 मिनट हो गया है टमाटर को चलाते हुए, ये अच्छे से भुन गए हैं। अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच लेंगे लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो और ले सकते हैं। 1 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम लेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि सूखे मसाले हैं जल्दी से जल जाते हैं। अब हम इसे मिला लेंगे और चलाते हुए अच्छे से 2-3 मिनट पका लेंगे। देखिए, मसाला भुन रहा है जब तक हम टोफू को कट कर लेंगे। देखिए, अब हम इसे पानी से बाहर निकाल कर पीस कर लेंगे। जितने भी बड़े आप पीस करना चाहे कर सकते हैं। देखिए, हमने इसे इस साइज में कट किया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम टोफू को डालेंगे। आप चाहे तो इन्हें फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मैंने इन्हें प्लेन ही रखा है। अब इसे चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। देखिए, टोफू को जितने अच्छे से आप भूनेंगे स्वाद भी उतना ही अच्छा आएगा सब्जी का। देखिए, सब्जी को चलाते हुए 3-4 मिनट हो गया है। हम इसे थोड़ा सा और चला लेंगे। टोफू की सब्जी खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन जितनी ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट है, उसके फायदे भी उतने ही ज़्यादा हैं। बढ़ते बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है ये सब्जी, हड्डियों को भी मजबूत करती है
और इसमें प्रोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बड़े और बच्चों और बुजुर्ग सभी को इसे जरूर से खाना चाहिए। यदि जो नॉनवेज नहीं खाता है कोई, तो उसे भी टोफू की सब्जी जरूर से खाना चाहिए, और खाने में पनीर से अच्छी लगती है। सब्जी बहुत अच्छे से भुन गई है, अब लेंगे थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए। देखिए ग्रेवी आप अपने पसंद के अनुसार रख सकते हैं, जितना भी आप सब्जी गाढ़ी या पतली करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ही पानी लिया है। अब इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। सब्जी में उबाल आ गया है, गरम मसाला लेंगे 1 चम्मच और इसे अच्छे से मिला देंगे। देखिए कलर, देखिए सब्जी का कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। सब्जी को हमने 5 मिनट अच्छे से पका लिया है, गैस बंद कर देंगे और धनिया लेंगे बारीक कटा हुआ। देखिए प्रोटीन से भरपूर टोफू की सब्जी बनके तैयार है, और आप इसे एक बार जरूर से ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया लगती है खाने में। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।